जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ आए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। ठीक है भाई, तो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट, आपने देखा होगा 9 का मल्टीप्लिकेशन देखा होगा। किसका देखा होगा भाई? 9 का मल्टीप्लिकेशन देखा होगा, और ये हर एक पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी पेपर में बात की जाए, चाहे वो बैंक की बात की जाए, SSC की बात की जाए, इवन CDS की भी बात की जाए, तो वहाँ से कैलकुलेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है भाई, और इसके एप्लीकेशन को भी देखेंगे कि ये यूज कहाँ पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको थोड़ा मैं बताता हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नाइन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस पे डिस्कस कर रहे हैं। आता तो सभी को है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो सभी बना लेते हैं भाई। मैंने जैसे बोला 9 × 7, क्या बोला भाई? 9 × 7। ठीक है, देखना इस पे। दूसरी बात मैंने बोली 9 × 8। ठीक है भाई, तीसरी बात मैंने आपको बोली 9 × 5। क्लियर है भाई? ये अपने पास में 3 डाटा है। मुझे एक बात बताइए, 9 × 7 से क्या होता है भाई? 9 × 8 = 72 और 9 × 5 = 45। क्लियर है भाई? यही आता है कि नहीं आता है, आप लोग बताएंगे सभी। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लोग 7th स्टैंडर्ड में थे तो हम लोग 10 के लिए क्या लिखते थे भाई? 9 के लिए क्या लिखेंगे भाई? 10 − 1 लिखेंगे। क्लियर है भाई? मल्टीपल बाई 7। ठीक है, तो ये क्या होता है, 70 − 7 = 63। ठीक है, ये काम हम लोगों ने किया है। कब किया है भाई? जब हम लोग एकेडमिक में थे तब के हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो यहाँ पे आपको बातें समझनी होगी। देखो कैसे होता है। देखो, 9 से जिस भी डाटा से मैं मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है भाई, सबसे पहला काम आपका ये होगा, फर्स्ट स्टेप, कि जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको 1 रिड्यूस करोगे, रिड्यूस बाई 1, एक कम करोगे। पहला काम क्या है भाई? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, स्टेप फर्स्ट में रिड्यूस बाई 1, यानी एक कम करोगे भाई, पहला काम। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या करोगे आप? डिफरेंस को लोगे। दूसरे स्टेप में क्या करोगे भाई आप? डिफरेंस को लोगे, डिफरेंस यानी अंतर को लोगे। ठीक है भाई, मैं क्या बता रहा हूं वो बात समझ लो। जैसे 7 है, आपको 9 में 7 से मल्टीपल करना है। ठीक है, तो 9 में 7 से करना है, तो 7 से एक रिड्यूस किया, तो 7 में 1 रिड्यूस किया, तो क्या हुआ, 6 हुआ कि नहीं हुआ? पहला स्टेप को फॉलो किया। ठीक है भाई, अगर हम दूसरे की बात करें, किसकी बात करें भाई? दूसरा स्टेप क्या था? दोनों का डिफरेंस हम लोग को लेना था, तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 9 और 6 का डिफरेंस क्या हो गया? 3। क्लियर है भाई? ऐसे आता है ये चीजें। दूसरी बात हम लोग दूसरे डाटा पे देखते हैं भाई, ये क्या है भाई? 8 है, 1 रिड्यूस किया तो क्या होगा, 7 होगा क्या भाई? क्लियर है? 9 के साथ में कोई भी खेल नहीं करना है, 9 को एज इट इज हमें रहने देना है। ठीक है, और 9 और 7 का डिफरेंस क्या होता है? 2 होता है। एज इट इज अगर मैं इसकी बात करूं, 4 है, 5 है, 5 से 1 रिड्यूस किया तो क्या होगा, 4, और 9 और 4 का डिफरेंस क्या होता है, 5 होता है कि नहीं होता है, ये अपना सीन होता है। तो आपको दो स्टेप ही करना है। पहला स्टेप क्या करना है भाई? पहला स्टेप आपको ये करना है कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 में, उसको 1 रिड्यूस कर दोगे। ठीक है भाई, एक कम करोगे, और जैसे ही एक कम हो जाएगा उसके बाद क्या करोगे, 9 और उस रिड्यूस नंबर को क्या करोगे, डिफरेंस लोगे। ठीक है, कुछ मैं डाटा आपके बीच में ले रहा हूं, थोड़ा डिफरेंट डाटा है। जैसे मैंने बोला 9 × 6 = 57। ठीक है, दूसरा मैंने आपके बीच में डाटा लिया 9 × 9 = 5232। क्लियर है भाई? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाओगे तो समझो कितना टाइम लगेगा, बहुत ही टाइम लग जाएगा। और उसमें क्या होगा भाई, आपका ऐसे भी टाइम निकलने के बाद में आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, और ये मल्टीप्लिकेशन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, 11 और 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला काम मैंने आपको क्या बताया था, पहला ही स्टेप अपने पास में क्या है कि हम 1 रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 999 में किससे मल्टीप्लाई किया है भाई, तो आप बोलोगे 657 से, तो 1 रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, 656 होगा, और इनके बीच का डिफरेंस होता है उसको लिखते हैं 9 और 6 का डिफरेंस 3, 9 और 5 का डिफरेंस 4, 9 और 6 का डिफरेंस 3। क्लियर है भाई? आप लोग कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन कैलकुलेटर से भी फास्ट आपका आंसर आएगा, ये मेरी ग्रांटेड है आपको, अगर आपने 9 का मल्टीप्लिकेशन। अब ये मत पूछना कि ये 10 पे भी काम करेगा क्या सर, 11 पे भी काम करेगा, नहीं, इट्स ओनली फॉर 9। ठीक है भाई, ये काम किस पे होगा, ये सिस्टम अपना 9 के लिए। ठीक है भाई,
अच्छा मुझे बात बताओ, 5232 है, 5232 है, 5232 है, वॉट एवर, यही सब वर्ड आप बोलते हो, वॉट एवर यू फील गुड, है ना। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, तो आप कहोगे कि इसमें वन रिड्यूस करेंगे, तो वन रिड्यूस किया तो क्या होगा भाई, 5231 हुआ क्या भाई, 9 और 5 का डिफरेंस 4, 9 और 2 का डिफरेंस 7, 9 और 3 का डिफरेंस 6, 9 और 1 का डिफरेंस 8, क्लियर है भाई। बात सभी को समझ में आई कि नहीं है, ये बात बताना भाई। और आप लोग जैसे ही ये वीडियो मिले, आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और क्या करेंगे भाई, कमेंट भी करते रहेंगे, ठीक है। और जो बच्चे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, वो तो करेंगे ही, आपका भी काम है, आप लोग भी करते रहना, अपने दोस्त को जो तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोग का प्यार चाहिए, ठीक है भाई, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्या दिक्कत है आपको, फ्री का चंदन घीस रघुनंदन। मैंने एक और डाटा बोला, 9 × 8 बोला, ठीक है भाई, क्लियर है भाई। अच्छा ऐसे सिंपल तरीका से आपको करना होता तो आप कहते हैं कि सर 2 और 1 का सिस्टम बहुत ही इजी होता है, तो आप करते 100 - 8 कितना हो गया भाई, 800, 100 × 8 क्या हो गया, 800 हो गया, 800 - 8 करोगे तो 792 होता है, क्लियर है भाई। एक्चुअली मैंने क्या किया, 100 - 1 कर दिया, तो 800 - 8 हो गया, 800 - 8 हो गया, देखो मैंने क्या लिख दिया भाई, देख रहे हो ना विनोद, सही हो जाओ, ठीक है। तो अभी बात हो रही थी इस पे कि ऐसा करते हैं, अब अपना सिस्टम जो मैंने आपको बताया था वो पेयर लगाना है, क्या करना है भाई, पेयर लगाना है, और पेयर लगाने के लिए क्या करोगे, क्या मैं 8 को 0 और 7 लिख सकता हूँ क्या भाई, 0 8 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये बात बताना। तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अच्छा इसके बाद मैंने डिफरेंस की बात की, 9 और 0 का डिफरेंस 9 और 9 और 7 का डिफरेंस 2, यही हो गया अपना आंसर, समझ रहे हो ना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये, और बहुत ही इजी तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, इसके लिए आपको ये रूल आपको लिखना होगा भाई, रूल अपना लिख लो भाई, रूल क्या है भाई, इस रूल में पहला स्टेप क्या है भाई, ऐसे नोट्स होने चाहिए, एक कम करना है, क्या करना है भाई, एक को कम करना है, दूसरा स्टेप 9 और डाटा का क्या करना है भाई, डिफरेंस लेना है भाई, समझ में आ रही है बात ना, ठीक है। अच्छा इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर बात करें सिंप्लीफिकेशन, या उसको सिंप्लीफिकेशन में भी रखते हैं, दूसरा डाटा कहाँ रखते हैं भाई, दूसरा डाटा हम लोग रखते हैं नंबर सिस्टम का भी पार्ट है, और इसको सीरीज में भी रखी जाती है, समझ रहे हो ना, कुछ क्वेश्चन को वो देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला 1/5 प्लस 999 499 495 और ये 494, ठीक है भाई, अपना पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। अगर बेसिक बात की जाए, किसकी बात की जाए भाई, बेसिक बात की जाए, तो क्या करते हो आप लोग, वो मैं बता रहा हूं। अच्छा ये सीन आपको समझ में अभी नहीं आ रही होगी, समझना मेरी बात को, मैंने बोला आपसे कि 10 / 3, तो इसके लिए क्या लिखते हो, 3 integer 1/3 लिखते हो, एम आई राइट। अगर इसमें क्या किया जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ऐसे वो होगा, ये डाटा इसी को बताता है, ये दोनों बात ही सेम है, समझ रहा है भाई। तो एक तरीके से क्या है, अगर ये डाटा मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या होगा, 3 3 9 और 1 10/3 × 3 क्लियर है भाई, दैट इज कैंसल आउट, अपना आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इधर जितनी भी बात लिखी जाती है उसको नोट्स में डाल दिया कर भाई, ठीक है। अच्छा सेम बात है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या होगा कि हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना होगा, बेसिक बात हो रही है। तो ये 1/5 हुआ प्लस 999 495 प्लस 494 upon 495 × 99, दैट इज कैंसल आउट भाई 5 times। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद तभी आप क्या करते हो भाई, उसको
शॉर्ट फॉर्म में करते हो। अच्छा ठीक है, अभी मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाया था 9 का, एक लेस करोगे तो क्या होगा 4 9 4, क्योंकि 495 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद 9 और ये डाटा का हम लोग डिफरेंस लेते हैं, 9 और 4 का डिफरेंस 5, 9 और 9 का डिफरेंस 0 और 9 और 4 का डिफरेंस 5 प्लस 494/5। देखो ये एक छोटे एग्जाम दिल्ली पुलिस से लेके एसएससी में भी पूछा गया है, एसएससी के ऑल पेपर में पूछा गया है, इसके अलावा ये सीडीएस का भी क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, समझ रहा है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये एलसीएम क्या हो गया भाई, 1/5 हो गया। अच्छा 4 5 4 9 1 10 का 0 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 और 1 10 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 और 4 9 और 1 10 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 और 1 5 9 4 हुआ क्या भाई, आप कहोगे हाँ सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ ये कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 99000। ठीक है, क्या आप ऐसे एग्जाम में जाओगे तो रेस्ट इन पीस में जाओगे कि नहीं जाओगे, क्योंकि देख भाई 99 का मल्टीप्लीकेशन है तो बहुत ही लंबा जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा बच्चा क्या करता है इसी क्वेश्चंस को करने के लिए, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा बच्चा जाता है तो यहाँ पे क्या करता है वो, जैसे ये था ना अपना क्वेश्चन 1/5 999 495 494 × 99 × वो लिखा नहीं रहता है। दूसरा तरीका अपने पास में क्या है वो समझना, 1/5 और ये क्या करता है 1000 − 1 करता है, क्लियर है भाई, और फिर क्या करेगा 494/495 × 99 करता है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो आप क्या करोगे देखना, यहाँ पे ये 1/5 हुआ प्लस, अच्छा ये मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करोगे कि नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे 495 कितना 0 है 000 माइनस 495, फिर क्या करोगे भाई 494, चूंकि ये गुना में है कि नहीं है तो इसको जोड़ते हैं भाई, ये अच्छा ये 3 integer 1/3 है, तो पहला क्या हम क्या होता है इन दोनों को मल्टीपल करके फिर इसको हम लोग ऐड करते हैं। देखो 3 3 9 + 1/3 जो जिससे डिवाइड लगाते हैं उसको नीचे डालते हैं, तो ये बचा हुआ है तो इसको ऐड करेगा भाई अपॉन क्या करेगा 495 × 99, ये कितने टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो आप कहोगे सर 5 टाइम्स में हो गया। अच्छा इसके बाद मुझे एक बात बताओ, ये 494 है ये 495 है, एलसीएम सेम हो गया तो प्लस 1 करोगे तो 495 से 495 कैंसिल आउट हो गया क्या, तो एक्चुअल में डाटा क्या आएगा 99000। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा जो थोड़ा सा स्मार्ट बच्चा होता है वो ऐसा काम करता है। अब बात चमनलाल की कर ली जाए भाई, चमनलाल वैसा स्टूडेंट होता है जिसका सिलेक्शन होता है, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है भाई, और वो बहुत ही स्मार्ट आदमी है। अब बात अपने चमनलाल की हो जाए भाई, ये कॉलर पहना दे क्या भाई, चमनलाल आता है जैसे उसको ये क्वेश्चन मिलता है, और चमनलाल मेरा क्या है भाई सबसे फेवरेट स्टूडेंट में से एक होता है, आपको कुछ नहीं देखना है, सबसे पहला सिस्टम ये देखना है कि ये 999 से ये कितने टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, ये सिस्टम देख लेना भाई, ये 5 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा ये बात बताओ। अच्छा आपको पता लग रहा है कि कैसे 5 टाइम्स में होगा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर 99 के क्लोज क्या होता है भाई, तो आप कहोगे 100 होता है, तो 100 × 5 करेगा तो क्या होगा भाई 500 हुआ, 500 − 5 करेगा तो 495 होता है कि नहीं होता है, ये दिखनी चाहिए। दूसरी बात इसकी गैपिंग 1 होनी चाहिए ऑलवेज, क्या होनी चाहिए भाई, देखो 495 और 494 का गैपिंग क्या है, तो आप कहोगे सर 1 है, ठीक है तो 1 है, तो आपको क्या करना है पीछे कितना 9 दिख रहा है भाई, एक बार बताना सभी पीछे 9 क्या कितना टाइम्स दिख रहा है, तो आप करोगे 2 टाइम्स दिख रहा है, एम आई राइट, आगे 9 कितना टाइम्स दिख रहा है 3 टाइम्स, तो 30 लगा दो मेरे भाई, कहानी खत्म, बनाने की जरूरत नहीं है, ये है अपना चमनलाल का सिस्टम, समझ रहे भाई। एज इट इज मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दे देता हूं। अच्छा जैसे मैंने ये बोला 1/6 + सही भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ ये कितने टाइम में कैंसिल आउट होगा, तो आप कहोगे 6 टाइम्स में होगा, इनके बीच का गैपिंग 1 है, तो आंसर क्या होगा 999 1 2 3 & 4 आंसर, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या सिस्टम बताया था भाई, आपको ये सिस्टम बताया था कि सबसे पहला काम क्या करना है, आपको देखना है कि कितना 9 पीछे है भाई, पीछे वाला
9 कितना, तो आप करोगे 3 टाइम्स, तो 3 बार क्या लिखोगे 9 9 9। आगे कितने टाइम्स है भाई, तो आप कहोगे 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स जितना 9 है उस उतना 0 लगा दे भाई, कहानी खत्म। ठीक है भाई, तो ऐसा करते हैं कि ऐसे 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको रिवीजन के लिए दे देता हूं, ठीक है भाई, आप लोग इसको ट्राई भी करोगे। क्लियर है भाई, 1/7 दूसरा अपने पास में क्वेश्चन है, ये 4 है, ठीक है, ये अपने पास में 2 क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने सिस्टम देखा था 9 का मल्टीपल का, उसमें हमने क्या सिस्टम बताया था, रिड्यूस बाय 1, दूसरी बात आपको बताई थी डिफरेंस वाली बात, ठीक है। इस वीडियो में दूसरी बात हमने क्या सीखी भाई, दूसरी बात हमने ये सीखी कि जैसे ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन है, इट्स अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है भाई। और चूंकि ये वेरियस पेपर में आता है, मैंने आपको ये सिस्टम बताया था, कितना 9 दिख रहा है भाई पीछे, तो डबल 9, एम आई राइट, आगे कितना 9 दिख रहा है, ट्रिपल, तो 3-0 लगा दोगे। और ये कब करोगे भाई, जब ये दोनों डिनोमिनेटर कैंसल आउट के बाद में सेम दिखे, क्लियर है भाई, और इनके बीच का डिफरेंस क्या दिखे भाई, 1 दिखे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, ठीक है भाई, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में, ओके बाय, टेक केयर।